नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस का वीकली ऑटोमोबाइल शो जिग्निशन। आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस जिग्निशन शो को इतना सराहा और इतना सपोर्ट किया है। मैं हूं आपका होस्ट सैम, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस आधे घंटे में जो आप स्टोरीज या फिर अपडेट्स रिव्यूज देखेंगे उनके मुतालिक अगर आपकी कोई राय हो, सजेशंस हो, तो हमसे शेयर जरूर करें। ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और तरीके बेहद आसान, ट्विटर, फेसबुक या फिर ईमेल के जरिए आप ये चीज़ें हमसे शेयर कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा अगले आधे घंटे का जिग्निशन का शो। एक नज़र डाल लेते हैं क्या है आज आपके लिए खास। शुरुआत हम करेंगे रिसेंटली लॉन्च टोयोटा फॉर्च्यूनर और उसके कंपटीशन के साथ। साथ में हम आपको देंगे फोर्ड एंडेवर का खास यूजर रिव्यू। एक नजर डालेंगे जेके टायर्स एफएमएसीआई नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप पर, और उसके बाद सीधा लॉस एंजलिस जहां पर हुई दुनिया भर की खास गाड़ियां शोकेस। बिग बल्की एसयूवी सेगमेंट, जी हाँ, जहां पर गाड़ियां होती हैं दबंग सॉलिड। इस सेगमेंट में टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर शायद यही दो गाड़ियां हैं जो कि आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइट कंपटीशन देती हुई नज़र आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही दो गाड़ियां हैं जो कि बाज़ार में असली ताकत रखती हैं, या इस सेगमेंट जो बाकी गाड़ियां मौजूद हैं उनमें भी है कुछ दम? सबसे पहले टोयोटा फॉर्च्यूनर का एक कॉम्पिटिशन चेक कर लेते हैं, और उसके बाद एक बेहद खास आपको देते हैं फोर्ड एंडेवर का यूज़र रिव्यू। जी हाँ, 6-7 महीने इस्तेमाल करने के बाद फोर्ड एंडेवर में क्या खूबियाँ हैं या क्या खामियाँ हैं, फोर्ड एंडेवर के कस्टमर से ही जानने की कोशिश करेंगे। टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, ह्युंडई सैंटा फे, सैंगयोंग रेक्सटन, शेवरलेट ट्रेलब्लेजर, ये खिलाड़ी हैं प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट के। सभी गाड़ियों में लेटेस्ट एंट्रेंट है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। गाड़ी की पॉपुलैरिटी ऐसी कि ज्यादातर डीलर्स के मुताबिक वेटिंग पीरियड जा पहुंची है 8 से 10 हफ्तों तक। इस एसयूवी का भारत में रुतबा ही कुछ ऐसा है। एंडेवर को अलग रख दिया जाए तो बाकी सभी एसयूवी इसके सामने जरा फीकी नजर आती है। नई फॉर्च्यूनर पहले की तरह दबंग नहीं है, अब ये बन चुकी है क्लासी और प्रीमियम। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इन 5 गाड़ियों के प्राइस चार्ट पर। इस बात का ध्यान रखें कि इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर अकेली ऐसी गाड़ी है जिसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट में ह्युंडई सैंटा फे के बाद सबसे महंगी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत शुरू होती है 25.92 लाख से और जाती है 31.12 लाख तक। फोर्ड एंडेवर जो कि फॉर्च्यूनर से कुछ समय पहले लॉन्च हुई, कीमत के मामले में मारती है बाजी। शुरुआत 23.78 लाख से। वहीं ह्युंडई की सैंटा फे जो कि बाजार में कुछ समय से मौजूद है, कीमत थोड़ी ज्यादा है, 28.53 लाख से इसकी कीमत शुरू होती है। और सिर्फ डीजल में मौजूद ये गाड़ी की टॉप मॉडल की कीमत है 31.99 लाख। 7-सीटर एसयूवी की इस जंग में अगली नजर आती है अमेरिका की बिग बल्की एसयूवी शेवरले की ट्रेलब्लेजर। ये गाड़ी लेकिन सिर्फ एक वेरिएंट में मौजूद है और कीमत 23.95 लाख। वहीं महिंद्रा की सैंगयोंग रेक्सटन बाजार में कुछ खास चमत्कार न कर पाई, कीमत लुभावनी है लेकिन फिर भी वॉल्यूम्स के मामले में अभी बाकियों से है काफी पीछे। 21.6 लाख से होती है इसकी कीमत शुरू और जाती है 24.86 लाख तक। इस सेगमेंट में कीमत को पैमाना बनाना मुश्किल है। कम कीमत होने के बावजूद इनमें से कुछ एसयूवीज की सेल ना के बराबर है और ज्यादातर वॉल्यूम सिर्फ 2 ही एसयूवीज में देखने को मिल रहा है। फॉर्च्यूनर के मामले में टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक का सबसे ज्यादा डिमांड में होना इस बात का सूचक है कि इस सेगमेंट में कीमत से ज्यादा जरूरी है अच्छी पैकेजिंग और किलर लुक्स। लिस्ट में मौजूद सभी एसयूवीज 7-सीटर है। अमेरिकन एसयूवी शेवी ट्रेलब्लेजर इनमें सबसे ज्यादा लंबी, चौड़ी और ऊंची है, लेकिन व्हील बेस के मामले में बाजी मारती है फोर्ड की एंडेवर, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है 2850 mm पर।
ट्रेल ब्लेजर का केवल एक वेरिएंट बाजार में उतारा गया है, वो भी सीकेरी। इसके बाद नंबर आता है फोर्ड एंडेवर और फॉर्च्यूनर का। एंडेवर ने लॉन्च के बाद से इंटीरियर कंफर्ट के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट किया है और प्रीमियम फील होने के बावजूद फॉर्च्यूनर पर एंडेवर जरा भारी पड़ती नजर आती है। डीजल इंजन इन सभी एसयूवीज में कॉमन है, तो एक नजर डाल लेते हैं इनकी पावर और टॉर्क पर। फॉर्च्यूनर में लगा 2.8 लीटर का डीजल इंजन 175 bhp की पावर जनरेट करता है। इस इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलेंगे। फोर्ड इस मामले में सबसे आगे है, 3000 cc का इंजन जो कि 197 bhp की पावर जनरेट करता है और टॉर्क के मामले में भी एंडेवर है आगे। एंडेवर में आपको डीजल के दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे। 2000 cc का डीजल इंजन 385 nm का टॉर्क जनरेट करता है, यानी कि इस मामले में फॉर्च्यूनर है एक कंप्लीट पैकेज। सैंटा फे भी फॉर्च्यूनर और एंडेवर की तरह मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मौजूद है। सैंटा फे में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक। सैंटा फे एंडेवर और फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा रेस्पॉन्सिव जरूर है, पर यह बात शेवी की ट्रेल ब्लेजर के लिए नहीं कही जा सकती। ट्रेल ब्लेजर में लगा 2.8 लीटर का ड्यूरामैक्स इंजन जो कि 200 PS की पावर जनरेट करता है, बेस्ट इन क्लास है। लेकिन कंपटीशन के मुकाबले इस गाड़ी में नॉइस वाइब्रेशन है बेहद ज्यादा। सिर्फ एक वेरिएंट, GM का सर्विस और साथ में गाड़ी की राइड क्वालिटी ट्रेल ब्लेजर को SUV रेस में फॉर्च्यूनर और एंडेवर से पीछे छोड़ती है। कुल मिलाकर इस बिग बल्की SUV सेगमेंट में मुकाबला दो गाड़ियों पर आकर टिकता है, टोयोटा की फॉर्च्यूनर और फोर्ड की एंडेवर, जो इस वक्त सेगमेंट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रही है। आपकी बाइंग डिसीजन को आसान बनाने के लिए आपको ले चलते हैं फोर्ड एंडेवर के एक ऐसे कस्टमर के पास जो इस गाड़ी को पिछले कुछ महीनों से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि फोर्ड एंडेवर का हम आपको दे रहे हैं यूजर रिव्यू। पिछले 10-15 साल से मैं और मेरे हस्बैंड वी ट्रैवल अलॉट, हम बहुत ट्रैवल करते हैं। इट इज़ अ पैशन कि हम यू नो वी सी इंडिया ट्रैवलिंग, सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एक ऐसी गाड़ी विच गिव्स कम्फर्ट टू हिम एंड टू मी वाइल वी ड्राइव, एंड हमारे बच्चों को भी कम्फर्टेबल हो, एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए SUV होना बहुत ज़रूरी। वैसे भी SUV मुझे ज़्यादा पसंद है, इट इज़ ईजी टू ड्राइव, एंड सिंस वी वेटिंग फॉर एंडेवर टू बी लॉन्च्ड, और जब हमने उसके स्पेसिफिकेशंस देखे तो वी वर क्वाइट एक्साइटेड कि हाँ हमें ऐसी ही गाड़ी चाहिए विच इज़ ईजी टू ड्राइव एंड सिटी ट्रैफिक ऑल्सो इज ईजी टू मनूवर। द राइट क्वालिटी विच वी वर लुकिंग फॉर इन दैट प्राइस ब्रैकेट इज फिनोमिनल, स्पेसिफिकली बिकॉज वी कम्यूट एवरी डे ऑन द एक्सप्रेस वे, सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस यूजिंग, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है हैविंग एन SUV टू ड्राइव, बिकॉज द ट्रैफिक इज प्रिटी यू नो इंटेंस ऑन द एक्सप्रेस वे। सो हमारे लिए हैविंग एन एंडेवर एंड यू नो बहुत कम्फर्टेबल है, द रोल इज लेस, द ड्राइविंग प्लेजर, द रिस्पॉन्स ऑफ द इंजन, ये सब चीज़ें रखते हुए आई थिंक इट इज गुड बाय। सबसे इम्पॉर्टेंट है द टर्निंग रेडियस इज रियली नाइस। सेकेंड है द इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स, जो मुझे यू नो आफ्टर ड्राइविंग वर्क मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है, तो दिस हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड सीट्स। सेकेंड द रियर व्यू कैमरा and the sensors on the sides which help you to drive, ताकि आपको careful हो जाते हैं आप जब drive करते हैं, and उससे भी अच्छा लगता है कि electronically controlled seats हैं जो flat कर देते हैं। when you're traveling at lot of you know distances, जब आप बहुत दूर जा रहे होते हैं तो आपको सामान रखने में दिक्कत नहीं आती क्योंकि वो seats flat हो जाती हैं। एंड छोटी छोटी चीज़ें जैसे सनरूफ विच इज़ कॉस्मेटिक चेंजेस, द इंटीरियर ऑफ द कैबिन इज़ वेरी गुड, और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रियर व्यू रियर डोर है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बहुत मायने रखती हैं। द राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड, द रोल इज़ नॉट देयर, द कैबिन में जब आप बैठे हैं तो रोड नॉइज़ बिल्कुल ही नहीं आता। शायद इन्होंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज डाली हैं जो विच हेल्प्स इन कैंसलिंग द नॉइज़। एक तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, जो इस कदर की अच्छी गाड़ियाँ बनाते हैं, तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन यू नो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। एक वो मुझे नेगेटिव लगा, और दूसरा
कि द नेविगेशन सिस्टम यू नो स्टैंडर्ड होना चाहिए जी, इनकी इनका जो आईस है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नेविगेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिर हमें अपना GPS ऑन करना पड़ता है व्हेन यू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। यूजर रिव्यू शुरू करने की हमारी एक खास वजह है ताकि हम किसी गाड़ी के मुतल्लिक आपको फर्स्ट हैंड बेसिक ग्राउंड रिपोर्ट दे सकें, क्योंकि ये एक्चुअल कस्टमर हैं जो कि 6 से 7 महीने तक या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन तक एक गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनकी राय होगी बेबाक और सच्ची। आप भी ऐसी राय देकर हमारे दूसरे इग्निशन के दर्शकों का जो कि नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हो उनकी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, अपने रिव्यूज़ को आप एज ए टेक्स्ट फॉर्म या फिर वीडियो फॉर्म हमसे बांटें, हम उन्हें कोलेक्ट करके अपने ऑडियंस से शेयर करने की आने वाले एपिसोड्स में कोशिश करेंगे। JK टायर्स मोटरस्पोर्ट्स को कंसिस्टेंटली सपोर्ट करता है और हर साल FMSCI के साथ मिलकर नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप कराते हैं। ये रेसिंग चैंपियनशिप लगातार लोकप्रिय होती जा रही है और कई सारे अच्छे बडिंग रेसर्स हैं जो कि यहाँ से निकल कर आए हैं। आदित्य पटेल, अरमान इब्राहिम, कुछ ऐसे नाम हैं। इस साल भी रेसिंग चैंपियनशिप बहुत शानदार हुई, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें शिरकत भी करी और कुछ अच्छे सरप्राइजिंग विनर्स भी निकल कर आए। एक नज़र डाल लेते हैं इस ग्रैंड फिनाले पर। इस हफ्ते इंडियन बाइक और कार एंथुसियास्ट की निगाहें टिकी थी 19वें JK टायर FMSI नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप पर, जो कि BIC यानी कि बुध इंटरनेशनल सर्किट पर आयोजित किया जाता है। 4 अलग अलग कैटेगरीज के मुकाबलों पर नजर रहती है। इन सभी कैटेगरीज में जोनल मुकाबले होते हैं और चुने हुए रेसर BIC पर शिरकत करते हैं। मोटर स्पोर्ट्स दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स माना जाता है, जो कि अनअफोर्डेबल है कॉमन मैन के लिए और जिसको कहते हैं कि रिच मैन स्पोर्ट्स माना जाता है। हम उसका मिथ ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको कॉमन मैन के स्तर पर लाने का प्रयास किया है। हमने इसको जो गो कार्टिंग का हम ट्रैक, 9 हमारी फ्रेंचाइजी ट्रैक्स हैं हिंदुस्तान में, वहाँ कोई भी यंग मैन एंड वुमन जाके कपल ऑफ 100 रुपीज में 45 मिनट्स का गो कार्टिंग कर सकता है। JK टायर्स पिछले कई सालों से मोटर स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहा है और कई रेसर्स को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाया है। मोटर स्पोर्ट्स के इस फॉर्म को लेकर पॉपुलैरिटी भी हर साल बढ़ती नजर आ रही है। BIC पर भी इस साल इन रेसर्स को देखने के लिए भारी संख्या में लोग नजर आए। रेस के अलावा माहौल को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कंसर्ट और स्टंट्स का भी आयोजन किया गया, लेकिन सभी निगाहें थी यूरो 16 चैंपियनशिप पर, जहां हैदराबाद के अनंत दत्तानी बाजी मारी। दूसरे पोजीशन पर अनंत और तीसरी पोजीशन पर नयन चटर्जी रहे। JK 1000cc कैटेगरी में कंपटीशन काफी टफ नजर आया। रेसर्स के अलावा स्पेक्टेटर्स के लिए भी ये काफी एक्साइटिंग रहा। संदेश पी ने यहां पर बाजी मारी 27 पॉइंट्स के साथ और 27 पॉइंट्स के साथ ही दूसरे स्थान पर रहे सिमरनजीत सिंह। यंग बडिंग रेसर्स के लिए ये एक खास मौका था और BIC में इन युवा रेसर्स को देखकर एक बात साफ थी कि मोटर स्पोर्ट्स चाहे धीमी गति से बढ़ रहा हो, युवा रेसर्स में भारत के लिए एक स्पीडी फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। ट्रैक पर गाड़ी चलाने का और ट्रैक पर गाड़ियों को चलते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। चलाने का मजा हमने लिया बुध इंटरनेशनल सर्किट पर जब ऑडी का स्पोर्ट्स कार इवेंट हुआ था। कैसी लग रही थी गाड़ियां, ये नजर आप तस्वीरों में ब्रेक पर जाने से पहले डाल लीजिए।
एडिशन में हम लगातार आपको दुनिया भर में चलने वाले मोटो शोज की अपडेट देते रहते हैं। वजह बहुत साफ है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको पूरी पूरी जानकारी रहे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पहुँच चुकी है और किस दिशा में काम कर रही है। इस वक्त जो काम चल रहा है वो ज़्यादा चल रहा है ईवी, हाइब्रिड और ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी पर, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला लॉस एंजलिस के मोटर शो में। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद अब ऑटोमोबाइल लवर्स के लिए अमेरिका सुर्खियों में है लॉस एंजलिस ऑटो शो को लेकर। दुनिया भर में इस वक्त एसयूवीज का बाजार लगातार बढ़ रहा है और ट्रेंड सेटिंग का काम करता है लॉस एंजलिस का यही ऑटो शो। नवंबर 18 से 27 तक चलने वाले इस ऑटो शो में भी क्रेज रहा एसयूवीज का। 70 से ज्यादा गाड़ियों को यहाँ पर लॉन्च किया गया और करीब 20 गाड़ियों का यहाँ पर हुआ वर्ल्ड प्रीमियर। SUVs के अलावा इस ऑटो शो में फोकस रहा ग्रीन कार टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड और EVs पर। कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को यहां शोकेस किया। इनमें Hyundai की सेल्फ ड्राइविंग कंसेप्ट वर्जन Ioniq सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही, लेकिन स्टार ऑफ द शो रही Jaguar I-Pace, एक कंसेप्ट कार जिसने इस ऑटो शो में Jaguar को एक अलग लीग में खड़ा कर दिया। एक बिल्कुल नया इंटेलिजेंट डिजाइन जो कुछ सालों में प्रोडक्शन रेडी हो सकता है। 90 किलोवाट लिक्विड कूल बैटरी पैक जो कि 500 किलोमीटर तक चल सकता है, यानी कि कंपटीशन फॉर टेस्ला इन फ्यूचर। इको स्पोर्ट के फेसलिफ्टेड वर्जन को भी यहां पर शोकेस किया गया। 2018 की शुरुआत में इस कार को US में लॉन्च किया जाएगा। भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है क्योंकि US में बिकने वाली ये कार है मेड इन इंडिया। भारतीय मार्केट के लिए एक बड़ी खबर जो लॉस एंजलिस मोटर शो से निकलती नजर आई वो थी जीप को लेकर। जीप 2018 में 10 लाख से सस्ती SUV भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकता है। लॉस एंजलिस मोटर शो में जीप ने अपनी कंपास को शोकेस किया। इस गाड़ी के अगले साल तक भारतीय मार्केट में आने की उम्मीद है। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत 20 से 25 लाख हो सकती है और इस एसयूवी को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्लियर है ईवी, हाइब्रिड और एसयूवीज। बिजनेस जगत से जुड़ी कोई भी खबर अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो दोस्तों तरीका जो है ना वो बेहद आसान है। जी हाँ, जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल को जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, या जी बिजनेस का जो फेसबुक पेज है उसको आप फैन बनिए। यकीन मानिए हर खबर बड़े ही सरल और आसान तरीके से आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचेगी। खबरें जी हाँ बेहद ज़रूरी होती हैं, और ऑटोमोबाइल जगत में भी कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि सुर्खियां बनी। एक नजर डाल लेते हैं न्यूज़ दिस वीक पर। हुंडई ने भारत में 1998 से अपनी जर्नी की शुरुआत करी। 2008 में हुंडई ने अपनी फर्स्ट मिलियन गाड़ी सेंट्रो को रोल आउट किया, और इस साल हुंडई ने अपनी 7th मिलियन व्हीकल अपने चेन्नई प्लांट में रोल आउट करी। 7th मिलियन व्हीकल जो रोल आउट हुई है वो है हुंडई की कॉम्पैक्ट एसयूवी क्रेटा AMT, जिसे 2 साल पहले भारत में उतारा गया था। चाइना के बाद हुंडई सेकंड मैन्युफैक्चरर है जिसने 18 सालों में ये रिकॉर्ड बनाया है। मारुति सुजुकी ने मारुति सुजुकी वैगनार फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत है 4,40,000 रूपए। मारुति सुजुकी वैगनार फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, LXi और VXi। ये पेट्रोल और CNG दोनों में अवेलेबल है, और साथ ही इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। कस्टमर्स को इस गाड़ी में 13,500 तक का बेनिफिट मिल रहा है। मारुति सुजुकी वैगनार फेलिसिटी लिमिटेड एडिशन के LXi वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद डिस्प्ले एंड वॉइस गाइडेंस, डबल डिन ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम विद स्पीकर्स जैसे कुछ खास फीचर्स शामिल हैं। हीरो साइकिल्स ने भारतीय मार्केट में अपनी नई साइकिल लेक्ट्रो लॉन्च करी। लेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिक पैडल असिस्टेड साइकिल है जिसके 4 वेरिएंट को उतारा गया है। इस साइकिल की कीमत 42,000 रूपए से 83,000 रूपए के बीच है। ये साइकिल फैशनेबल तो है ही, साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है।
आने वाले दिनों में इसके 20 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे। इस साइकिल के 3 वेरिएंट में 7 स्पीड गियरबॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इंडिया में ना तकरीबन जो 5 किलोमीटर तक का है डिस्टेंस, आदमी उसके अंदर लेके जाता है टैक्सी या थ्री व्हीलर या जो भी उसकी है अपना सिस्टम ट्रांसपोर्ट का, दैट इज आवर टारगेट। तो जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस है, दैट वी वांट टू सेल द साइकिल। ई पैक इसका नाम है, बाइसिकल भी नहीं है, मोटर है इसके साथ में, तो ई पैक इसका है सॉल्यूशन। तो इट ट्रेवल्स टू दैट डिस्टेंस। इसके साथ हमारी रोड्स में डीकंजेशन, कार्बन, फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन, ये सारी चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इग्निशन का आधे घंटे का ये सफर यहाँ पर खत्म होता है। मुलाकात अगले हफ्ते होगी कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए पैकेजिंग, कुछ नई गाड़ियों के साथ। लेकिन आज शो की शुरुआत में जो मैंने बात कही थी उसी को एक बार फिर दोहराऊंगा कि आपके सजेशंस हमारे लिए ज़रूरी हैं, आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो फॉलो कीजिए हमारे ट्विटर हैंडल को, फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। एक और छोटी सी गुजारिश कि प्लीज़ रोड सेफ्टी का ख्याल रखें, सड़क नियम आपकी सुरक्षा के लिए। सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाएं, हेलमेट पहनकर बाइक दौड़ाएं। प्लीज़ ड्राइव सेफ।